नमस्कार, आज हम आपको मिलाएंगे छत्तीसगढ़ की ऐसी बेटी से जिसने रायगढ़ ज़िले के 100 से ज़्यादा गाँव को अकेले दम पर खुले में शौच मुक्त किया है। जी हाँ, ये एक ऐसी बेटी है जिसने सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को इस ज़िले में पूर्णतः सार्थक किया है और एक मिसाल कायम की है। देखते हैं राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा ये टीपा खोल गांव है। खेती यहां की रोजी का अहम साधन है। रोजमर्रे का खर्च इस गांव के लोग जंगल की सूखी लकड़ी बेचकर निकालते हैं। रोज सवेरे जंगलों से लकड़ियां बटोरकर लट्ठा बनाया जाता है, फिर ये लोग इसे बेचने के लिए पास के शहरों की तरफ चल पड़ते हैं। यही कमाई इनके रसोई के चूल्हों को रोशन रखती है। पर तस्वीर का एक और पहलू था जिसे बताने में ये लोग कभी झिझका करते थे, और वो ये कि यहाँ रहने वाला हर शख्स रोज लोटा लेकर खेतों में जाता था। मतलब ये कि यहाँ घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। शौचालय ना होने से आसपास गंदगी अपने चरम पर थी। बच्चे डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों की गिरफ्त में अक्सर आया करते थे। गंदगी थी तो अंजाम भी यही होना था। ऐसे में अंदाज लगाएं कि इन बेचारों की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। रिश्तेदार तक घरों में आने से कतराया करते थे। फिर स्वच्छता अभियान की लहर टीपा खोल गांव पहुंची। इसका पहला असर गांव वालों की सोच पर पड़ना शुरू हुआ। तय हुआ कि यही मौका है गंदगी से निजात पाने का। बस यहीं से शुरू होती है टीपा खोल गांव के खुले में शौच मुक्त होने की कहानी। शौचालय नहीं था तो बहुत दिक्कत आ रहा था। बूढ़े भी नहीं जा पाते थे, बच्चे भी नहीं जा पाते थे, और उल्टी टट्टी भी होता था, और बीमारी मलेरिया भी होता था, मच्छर भी ज़्यादा था, मक्खी भी ज़्यादा था। तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है, साफ़ सुथरा है, बच्चे भी बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी घर में शौचालय है तो अच्छा बना है बोलकर सब बाहर नहीं जाते हैं। पर कोई और भी था जो स्वच्छता अभियान को अपना मिशन बना चुका था और निकल पड़ा था इसकी जोत जगाने। पहले गांव में बहुत छोटा सा गांव है, आदिवासी गांव है, यहां पर जागरूकता नहीं था। हमने यहां पर पहले ODF के बारे में बात किया गया, मोनिका जी आए यहां पर, बोले कि भाई ODF बनाना है, तो गांव वाले अपना मिल के झाड़ झंकुर बाँस वाँस से बाथरूम बनाए, उसमें हम लोग भी सहायता किए, ईंटा ऊँटा सब दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पर पहला बिलासपुर संभाग का पहला ODF गांव ग्राम है, और उसके बाद धीरे धीरे जब ODF का वो आया तो हमने ईंटा ऊँटा गिरा के सबका बाथरूम बना दिए। मिलिए रायगढ़ की रहने वाली मोनिका इजारदार से। मोनिका प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को अपना निजी मिशन बना चुकी हैं। टीपा खोल गांव से भी ये गुजरी। समाज शास्त्र की छात्रा मोनिका ने स्वच्छता की अलग रायगढ़ के हर गांव में जलाने को अपना लक्ष्य बनाया है। इसकी पुख्ता तैयारी करने के लिए पहले मोनिका ने जिला प्रशासन के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर व्यवहार परिवर्तन के गुर सीखे। जैसे सर्वविदित है कि बदलाव की शुरुआत अक्सर विरोध से होती है।
शुरू में मोनिका को लोगों को समझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर मंथन शुरू हुआ और रूढ़ियां टूटनी शुरू हुई। धीरे धीरे रास्ते बनने शुरू हुए। इसमें ट्रिगर टूल की अहम भूमिका रही। ट्रिगर टूल यानी एक ऐसा हथियार जो दिल और दिमाग पर दूरगामी असर डाले, और इस टूल का नाम था इज्जत। ज्यादा जानते हैं मोनिका से। हम अगर गांव में जाकर ये कहते हैं कि आप बाहर खुले में मत जाइए, आपको बच्चादानी कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है, या आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये कहें कि आप बाहर खुले पे ना जाएं क्योंकि आपके बच्चे की मरने की संभावना 100% बढ़ सकती है, तो वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन उन बातों को रखने के लिए हमें कई तरीके से टूल्स कहते हैं ट्रिगर लोगों को ट्रिगर करना सिखाया गया। ट्रिगरिंग का एक प्रोसेस है सर, उसमें काफ़ी सारे टूल्स का उपयोग। ट्रिगर करना मतलब बंदूक की गोली की तरह लोगों पर ऐसी बातें कहना जो उनके दिल और दिमाग पर असर करे, और वो तुरंत उस बात को सुनकर वो कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो हमारे ऐसे कई टूल्स हैं जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे प्रभावी टूल्स हमारा रहता था इज्जत टूल। आम आदमी के मनोविज्ञान को समझते हुए मोनिका ने खुले में शौच को सीधे महिलाओं की इज्जत और आबरू से जोड़ा, और इसका फंडा समझाने के लिए मोनिका ने चुना स्कूली बच्चों को। मोनिका चौपाल लगाकर बच्चों से पूछती हैं कि अगर कोई लड़का आपकी माँ या बहन का हाथ पकड़ ले तो आप क्या करेंगे। जाहिर है बच्चे गुस्से से लाल हो जाते हैं। कोई छूटे दिखाए तो, मोनिका का अगला सवाल कि जब हाथ पकड़ने पर इतना गुस्सा कर रहे हो तो घर की बहू बेटियों को बाहर खुले में शौच करते हुए कोई देख ले फिर क्या करोगे। इस लाइन का बच्चों पर सीधा असर होता, और घर में शौचालय बनाने की जिद सिरे से परवान चढ़ती है। मेरे जो पुरुष साथी हैं, आपके गांव में किसी महिला का या बेटी या बहू का हाथ पकड़ ले तो कैसा लगेगा। तो वो चिढ़ जाते थे, लड़के जो युवा वर्ग के, वो कहते थे मार देंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब आपकी माता बहनें बहुएं बाहर खुले पे जाती हैं और जो चीज़ दिखाने की नहीं है वो रोज़ सुबह शाम खुलेआम दिखा रही हैं, और कोई ना कोई उन्हें अनजाने में देख रहा है, तो फिर आपको कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा है कि आपको इतना गुस्सा आना चाहिए कि कल के कल आपको उनकी इज्जत की सुरक्षा के लिए इज्जत का कमरा बनाना चाहिए। तो वो कल नहीं होता था सर, वो आज के आज खुदना शुरू हो जाता था। ये रायगढ़ का टीपा खोल गांव है जहां पर 4 साल पहले मोनिका ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर यहां के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम शुरू किया था, और आज ये टीपा खोली गांव पूरी तरीके से स्वच्छता का एक परिचायक बन गया है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो गया, और ख़ास बात ये है यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति बाहर खुले में शौच करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, और जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देता है उसको इनाम भी दिया जाता है। आइए मिलते हैं टीपा खोली गांव के लोगों से। आज टीपा खोल गांव ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री है, मतलब ये कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता। अगर किया और पकड़े गए तो सीधे 500 रुपए का जुर्माना, और हाँ, जो गांव वाला इसकी जानकारी देता है वो भी इनाम का हकदार होता है। टीपा खोल में हर बरस 2 बार स्वच्छता मतदान भी होता है। इस मतदान के तहत चोरी छिपे खुले में शौच जाने वालों का नाम गांव वाले पर्ची में गुप्त रूप से लिखकर मतदान करते हैं, यानी बात ना मानने वालों का हुक्का पानी तक बंद करने की व्यवस्था भी है। यहाँ असामाजिक लोग रहते हैं जो कि मतलब कि उन लोग ना गंदगी फैला देते हैं, उसको मतदान वोट होता है उसमें नाम डालते हैं। सबसे पहले टीपा खोल गांव को चूज़ किया, और उसमें जैसे बताया कि पत्थर से पहले बनाना चाहिए, उसमें कम लागत बन जाती है, और इस तरह से और शौचालय बनने के बाद जो बीमारियां जो कम होती हैं तो थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए लोग समझते गए। पहले इस शौचालय बनाए, पहले लोगों का नेगेटिव थिंकिंग जो होता था तब हम लोग थोड़ा तकलीफ होता था, लेकिन हम लोग घरघोड़ा ब्लॉक और रायगढ़ ब्लॉक में इतना सारा जो काम किए, उसके बाद आज मोनिका जी को जब प्रधानमंत्री अवार्ड जो मिला उसके बाद हम लोग को पॉजिटिव थिंकिंग अभी मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है तब हम लोग बहुत बड़ी खुशी उपलब्धि होती मिलती है।
टीपाखोल गांव को जिला प्रशासन ने सबसे पहले ये योजना के तहत शौच मुक्त बनाने के लिए चुना था। योजना का नाम था एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन मोनिका के एंट्री ने इसके फलक को कई गुना उठा दिया, एक कदम को हजारों कदमों में तब्दील कर दिया। हमने सबसे पहले लोगों के दिमाग में शौचालय बनाया। हमने उनको ये बताया कि आप पहले अपने दिमाग में शौचालय बनाइए, तब जाकर आपके घर पे शौचालय बनेगा, क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत है तो वो खाने की व्यवस्था करते हैं, उनको भूख लगती है तब वो खाने की व्यवस्था करते हैं, बिस्तर चाहिए क्योंकि उनको सोना है वो ज़रूरत समझते हैं, क्योंकि शौचालय की ज़रूरत वो कभी महसूस नहीं करते थे, इसलिए उनके दिमाग पर सबसे पहले शौचालय बनाने की ज़रूरत थी। हम जब मीटिंग्स के दौरान रात को भी चौपाल पे रहते थे तो ट्रैवल एरिया में जो पी के आते थे लोग, तो मीटिंग्स काफ़ी ख़राब होती थी, लेकिन हमारी जो होल टीम है उनकी मदद से, जिला प्रशासन के भी बहुत सारे लोगों के सहयोग से ये जो ODF का काम है, हम लोगों ने सबसे सर्वप्रथम टीपाखोल में काम किया। मोनिका ने शौचालय की परिभाषा को ही बदल दिया, यानी शौचालय सिर्फ एक शौचालय ही नहीं बल्कि इज्जत का कमरा है, और खुले में किया गया ये निजी कृत्य इज्जत नीलाम होने के बराबर है। मोनिका के मिशन मोड ने जिद करो अभियान को भी जन्म दिया। इसके तहत बच्चे त्योहारों के मौके पर मम्मी पापा से जिद करते हैं कि शौचालय बनवाएं, वरना हम घर के किचन को गंदा करेंगे, और किचन के साथ साथ घर के और हिस्सों को भी, लेकिन बाहर खुले में किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। बच्चों की सकारात्मक जिद माँ बाप के पुरातन सोच को बदलती है और वो शौचालय बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने एक जिद करो अभियान भी बच्चों के साथ जोड़ा, और जिद करो अभियान में बच्चे जिद करते थे अपने माता पिता से, और एक जिद करके अपने घर पे शौचालय बनाया। वो कहते थे कि हम बाहर खुले पे नहीं जाएंगे अगर आपने हमारे लिए सुविधा नहीं की, आपने हमारे लिए सुविधा नहीं की शौचालय बनाने की, तो हम किचन पे ही कर देंगे। लेकिन हमने ऐसा जिद करने को उनको सिखाया था कि हम किचन पे कर देंगे शौच, लेकिन बाहर खुले पे नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे सर वो बदलते गया। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कलेक्टर मैडम का, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जिला CEO चंदन त्रिपाठी मैडम का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी योजना में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं रायगढ़ के ही खैपुर गांव में। ये नारे सुन रहे हैं ना, खैपुर गांव साफ सफाई के मामले में आज छत्तीसगढ़ में मिसाल बन चुका है। इस गांव के सरपंच के कार्यालय का सभा कक्ष किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं। इस वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर गांव की सरपंच नन्ही बैरागी हर रोज गांव वालों की समस्याओं से रूबरू होती हैं। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, जगह जगह बड़ा बड़ा गड्ढा था, ना स्कूल नहीं था, पाँचवीं तक था तो झोपड़ी जैसा था मिट्टी का। अभी बहुत सा बन गया है, स्कूल बन गया, रोड बन गया, लाइट लग गया, बोर मोहल्ला सब अच्छा बन गया, पंचायत भवन भी अच्छा बन गया, AC लगा है। हरे भरे पेड़ पौधे, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर इस गांव को एक अलहदा मुकाम देते हैं। यहाँ की सरपंच बताती है कि जरूरत की सभी सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं, और गांव वाले भी यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट हैं। हमारा गांव बहुत साफ सुथरा है, स्वच्छ, यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, यहाँ हमेशा रैलियाँ की जाती है, स्वच्छता के लिए समझाया जाता है, सरपंच जी लोग भी बहुत ध्यान देते हैं हमारे गांव के लिए। बहुत अच्छा गांव है, कोई यहाँ पे कचरा इधर उधर नहीं फेंकता है, जगह जगह कचरे डस्टबिन हैं, और शौचालय के लिए भी शौचालय बनाया गया है, विशेष ध्यान दिया जाता है हमारे गांव में। ये खैरपुर गांव सबसे अच्छा गांव है स्वच्छता के मामले में भी, यहां शौचालय है, मंदिर है, तालाब है, कुआं है, सब चीज़ है,
और यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ से सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा वाला गांव है और यहाँ सभी चीज़ का ध्यान दिया जाता है, सफाई वगैरह के मामले में भी, और ग्राम पंचायत वगैरह सब मतलब साफ सफाई रहता है, मंदिर में भी साफ सफाई रहता है। खैरपुर भी मोनिका की कर्मभूमि है। मेहनत और जुनून की धनी मोनिका आज रायगढ़ की डिस्ट्रिक्ट आइकन बन चुकी हैं। मोनिका का बच्चों की बुनियादी समझ पर गहरा विश्वास है। वो मानती है कि बदलाव नई पीढ़ी के बिना संभव नहीं, और ये भी कि नई पीढ़ी को उत्तराधिकार में एक साफ सुथरा समाज मिले। वो स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं। खैरपुर गांव के ये स्कूली बच्चे तो मोनिका के मुरीद हैं। इनका सपना है कि बड़े होकर ये भी मोनिका इजारदार के रास्ते पर चलें। मोनिका दीदी बहुत अच्छी है, हम लोग को हाथ धुलाई के बारे में बताई और स्वच्छता जाने के बारे में बताई। मैं बड़ा होकर मोनिका दीदी जैसा बनना चाहता हूँ। हम अपने गांव घर स्कूल को स्वच्छ रखते हैं। मोनिका दीदी ने हमें स्वच्छता के बारे में और हाथ धोने के बारे में सिखाया। हम बड़े होकर मोनिका दीदी की तरह बनना चाहते हैं। मोनिका दीदी हम लोगों को हाथ धुलाना सिखाई, स्वच्छता के बारे से जानकारी दी। वो हमारी प्रेरणा है और हम भी बड़े होकर मोनिका दीदी जैसे बनेंगे और सबको स्वच्छता के बारे से बताएंगे। रायगढ़ जिला प्रशासन भी मोनिका के स्वच्छता के प्रति उठाए गए कदम से खासा खुश है। दरअसल जिला प्रशासन को ऐसे नेचुरल लीडर्स की तलाश थी, क्योंकि ये तबका प्रशासन की अनुपस्थिति में पहल करते हुए ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल मोनिका का स्थानीय भाषा से भली भांति वाकिफ होना भी फायदेमंद है। वो अपने शब्दों के इस्तेमाल से गांव वालों को भावनात्मक रूप से जोड़ लेती हैं। आधा काम तो वहीं हो जाता है। प्रशासन ने मोनिका की मदद के लिए नोनी टोली यानी स्कूली बच्चों की एक टीम बनाई है। ये टोली घर घर जाकर सीटी बजाकर लोगों को शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित करती है। आपको बता दें कि रायगढ़ में 761 ग्राम पंचायत हैं और 1408 से ज्यादा गांव हैं। आज ये सारे गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। मोनिका इजारदार अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिसका मैं जितनी तारीफ करूं वो कम होगी। मैंने देखा कि मोनिका में हमारी टीम बहुत लोग हैं हमारी टीम में, लेकिन मोनिका के शब्द ऐसे थे जो प्रभावित करते थे। जब भी हमने CLTS आयोजित किया वो सीधे सीधे उन शब्दों को बोलती थी जिससे कि अपने आप व्यक्ति महसूस करने लगेगा कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की अगर मैं शौचालय अपने घर में नहीं बनाया। मोनिका के काम को आज ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि सारा देश जान रहा है। रायगढ़ की इस बेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया। मोनिका को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए 51,000 रुपए के चेक के साथ प्रशस्ति पत्र दिया गया। मोनिका सत्याग्रह की तर्ज पर काम करने वाले देश के 10 प्रेरकों में आज शामिल हैं। वो सत्य और आग्रह के बूते पर आगे बढ़ती जा रही हैं। हमने गांव में ही ग्राम स्तर में ही नेचुरल लीडर्स की तलाश की जो कि हमको कहीं ना कहीं हमारी अनुपस्थिति में वो लीड लेते हुए आगे इस कार्यक्रम को बढ़ावा दें। और मैं बहुत ही खुश महसूस करती हूँ और हर्षित महसूस करती हूँ इस बात से कि मोनिका इजारदार हमारे ज़िले की एक प्रेरक हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री स्वच्छता ग्रही पुरस्कार उनको इस बार प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4 बरस पहले जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी तब शायद इतना अंदाजा नहीं था कि स्वच्छता अभियान को लोग इतनी गंभीरता से लेंगे। लेकिन आज गांव से लेकर कस्बों तक, कस्बों से लेकर शहर तक साफ सफाई एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है।
पूरे भारत पर नजर डालें तो सन 2014 में 55 करोड़ लोग खुले में शौच के लिए जाते थे। लेकिन आज 4 बरस बाद ये संख्या घटकर 20 करोड़ हो चुकी है और लगातार घटती जा रही है। ये स्वच्छता अभियान की सफलता का नतीजा ही है कि 300 जिलों के 3 लाख गांव पिछले 4 वर्षों में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का ये गांव पूरे देश के लिए आज मिसाल बन चुका है। दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों के ठीक बीचों बीच बसे इस गांव के बाशिंदों का प्रेम दीवानगी की हद तक है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी यहां के लोग सफाई को अपना ईमान समझते हैं। रायगढ़ के टीपा खोल से कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।